हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे जीनी के 31st लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फास्टनिंग और फिक्सचर्स के बारे में। इस लेक्चर में हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि है फास्टनिंग और फिक्सचर्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में जो होता क्या है। आप प्रीवियस लेक्चर से जो फास्टनिंग और फिक्सचर्स के बारे में काफ़ी सुनते आए होंगे, इसे इस लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके टाइप के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इसके क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हम डिटेल में पढ़ते हैं फास्टनिंग और फिक्सचर्स के बारे में। फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग्स। सबसे पहले हम फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग को समझ लेते हैं एक्चुअली में जो होते क्या हैं। फिटिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट रेल्स एंड टू एंड एंड आल्सो फॉर फिक्सिंग द रेल्स ऑन स्लीपर्स आर नोन एज फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग्स। कोई भी फिटिंग्स जो कि हमारे दो रेल सेक्शन को आपस में जोड़ने के लिए मदद करती है या फिर हमारे रेल सेक्शन को स्लीपर पर फिक्स करने के लिए मदद करती है उसे हम कहेंगे फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हो हमने दो रेल सेक्शन में जॉइंट प्रोवाइड किया हुआ है। जॉइंट प्रोवाइड करने के लिए हमने फिश प्लेट, बोल्ट्स और भी कई फिटिंग्स का इस्तेमाल किया है। इन सभी को हम कहेंगे फास्टनिंग और फिक्सचर्स। जहाँ पर भी हमने स्लीपर के ऊपर फिटिंग्स का इस्तेमाल किया है कि हमारे स्लीपर के ऊपर रेल सेक्शन जो है अपनी पोजीशन पर बना रह सके, जहाँ पर भी हमने फास्टनिंग और फिक्सचर्स का यूज़ किया हुआ है इन सभी को हम कहेंगे फास्टनिंग और फिक्सचर्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग्स। फिक्सचर्स और फास्टनिंग के क्या फंक्शन हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है जॉइनिंग ऑफ रेल्स। ए रेलवे ट्रैक इज़ फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ रेल। जैसे कि आपको पता है कि हमने डिफरेंट रेलवे सेक्शन को जोड़कर उसमें जॉइंट प्रोवाइड करके एक ट्रैक बनाया होता है। दी सेक्शन आर जॉइंट टुगेदर विद फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग। उन हमने जो जॉइंट प्रोवाइड किया होता है रेल सेक्शन को जोड़ने के लिए आपस में, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग। फिक्सचर एंड फास्टनिंग के बिना हमारा जॉइंट जो है एक बिल्ड नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। ये भी एक इसका पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है फिक्सिंग ऑफ रेल्स। जैसे लास्ट भी मैंने आपको बताया टू होल्ड द रेल सेक्शन ऑन स्लीपर इन करेक्ट पोजीशन। एक रेल सेक्शन को स्लीपर के ऊपर करेक्ट पोजीशन में बनाए रखने के लिए फिक्सचर एंड फास्टनिंग यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू मेंटेन प्रॉपर अलाइनमेंट। हम इसे जो है इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे स्लीपर के साथ में रेल सेक्शन जो है फिक्स्ड रहे, अपनी पोजीशन पर बना रहे, जिसकी मदद से हमारे प्रॉपर अलाइनमेंट बन सके, प्रॉपर गोज मेंटेन हो सके। वहाँ पर भी हमारी जो फिक्सचर एंड फास्टनिंग एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। थर्ड है एक्सपेंशन गैप। रेल सेक्शन एक्सपेंड इन हॉट वेदर एंड श्रिंक इन कोल्ड वेदर। जैसे कि आपको पता है कि रेल सेक्शन जो है मेटल के बने होते हैं। मेटल की एक आप कह सकते हो एक करेक्टरिस्टिक है कि वो हॉट वेदर में एक्सपेंड करेगा और जो है कोल्ड वेदर में श्रिंक करेगा, जैसे कि कंक्रीट हमारी करती है। फॉर दीज एक्सपेंशन एक्सपेंशन गैप आर प्रोवाइडेड थ्रू जॉइंट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जॉइंट प्रोवाइड करने पड़ते हैं और जॉइंट में हम थोड़ा सा एक्सपेंशन गैप प्रोवाइड करते हैं। उस जॉइंट में यूज़ होने वाली फिटिंग्स, बोल्ट, फिश प्लेट सेक्टर जो भी होती हैं उसे हम फास्टनिंग और फिक्सचर्स कहते हैं। उसे फिक्सचर और फास्टनिंग की कैटेगरी में हमने रखा है, जे भी इसका एक फंक्शन है। फोर्थ है टिल्टिंग ऑफ रेल्स। टिल्टिंग ऑफ रेल क्या होता है, जब हम रेल सेक्शन को 1/20 इनवर्स स्लोप पर टिल्ट कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं टिल्टिंग ऑफ रेल। अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर देखे होंगे रेल वाले तो वहाँ पर हमने इसके ऊपर एक लेक्चर बनाया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप टिल्टिंग ऑफ रेल के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो जहाँ पर मैं आप मान के चल रहा हूँ कि आपको टिल्टिंग ऑफ रेल के बारे में पता है, टू मेंटेन द टिल्ट ऑफ रेल सेक्शन एंड होल्ड इट इन पोजीशन फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल। जैसा कि आपको पता है कि टिल्टिंग ऑफ रेल में हम 1/20 इनवर्स स्लो प्रोवाइड करते हैं, उसे उस पोजीशन में बनाए रखने के लिए हम फिटिंग्स जो इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहेंगे फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग। फिक्सचर एंड फास्टनिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है टिल्टिंग ऑफ रेल के कंसेप्ट में। फिफ्थ है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स। पॉइंट एंड क्रॉसिंग मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। इस इमेज में आप देख सकते हो ये है हमारी पॉइंट एंड क्रॉसिंग, जहाँ पर कि हमारे लोकोमोटिव चेंज किए जाते हैं एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में। पॉइंट एंड क्रॉसिंग के ऊपर भी हमारे जो है नेक्स्ट लेक्चर्स आने वाले हैं। नेक्स्ट यूनिट्स में हम इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये हमारे पॉइंट एंड क्रॉसिंग है, जहाँ पर कि हमारे जो है ट्रेन लोकोमोटिव चेंज होते हैं। टू सेट पॉइंट एंड क्रॉसिंग इन प्रॉपर पोजीशन फिक्सचर एंड फास्टनिंग आर यूज। फिक्सचर एंड फास्टनिंग हम यूज़ करते हैं एक प्रॉपर उसकी पोजीशन बनाने के लिए, जहाँ पर आप देख सकते हो कितनी फास्टनिंग फिक्सचर्स या फिर फिटिंग्स यूज हुए हैं, ये भी एक इसका फंक्शन है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग। फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग के क्या टाइप हैं, फिश प्लेट पहला टाइप,
बेयरिंग प्लेट, स्पाइक्स, चेयर्स, बोल्ट्स, कीज, एंटी क्रीपर्स, ये सभी जो है फिक्सचर्स और फास्टनिंग के कंपोनेंट कह सकते हो आप, जो टाइप्स कह सकते हो, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक एक करके हम सभी जो है इसके टाइप्स के बारे में या इसके कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके ऊपर लगभग 6 लेक्चर बनने वाले हैं जिसमें मैं डिटेल में आपको एक एक टाइप को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो उन लेक्चर्स को मिस ना करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको उसके नोटिफिकेशन मिल सके। इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये हमने रेल सेक्शन को स्लीपर के ऊपर कनेक्ट किया हुआ है, जहाँ पर हम एंटी क्रीपर भी यूज़ कर रहे हैं, बोल्ट भी यूज़ कर रहे हैं, प्लेट भी यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी हम जहाँ पर जो इसके कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं। तो इन सभी के बारे में आप ज़रूर जानिए। इसमें बहुत से जो ऐसे टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फिश प्लेट, बेयरिंग प्लेट, एंटी क्रीपर, कीज सेक्ट्रा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और एकेडमिक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इस लेक्चर में यूज सभी नोट्स या स्लाइड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप सभी नोट्स और स्लाइड्स को देख सकते हो। साथ ही साथ हमने सभी रेलवे इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस को मिलाकर एक प्लेलिस्ट तैयार की है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप हमारे सभी लेक्चर्स को देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियोस में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे फास्टनिंग और फिक्सचर्स की टाइप्स के बारे में। तो लेक्चर्स को मिस ना करने के लिए और साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।